किसी भी इंडियन फेस्टिवल का एक सबसे अटूट जो हिस्सा होता है वो है उसमें खाए जाने वाली, इंजॉय की जाने वाली मिठाइयाँ। और नॉर्थ इंडिया में मोस्टली वो मिठाइयाँ बनती हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं अगर उन्हें ठीक से बनाया जाए, यानी घर पर बनाकर खाया जाए। तो ऐसे ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 5 हेल्दी न्यूट्रिशियस फेस्टिवल स्वीट की रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक और आप देख रहे हैं फूड फिटनेस एंड फन। ये टेस्टी रेसिपीज हैं। हलवाई स्टाइल में कुछ रेसिपीज मैं आपको दिखाऊंगी बनाकर, जो प्रोटीन में भी रिच हैं, न्यूट्रिशियस हैं एंड सीजन के हिसाब से आप इन्हें इंजॉय करेंगे और ये आपकी फेस्टिव सीजन को मेमोरेबल बना देंगे। तो चलिए, बाजार के बदले अब घर पर बनाइए बहुत ही आसान फेमस स्पेशली नॉर्थ इंडिया की कुछ मिठाइयाँ। सबसे पहले बनाएंगे मूंग दाल के लड्डू और ये हलवाई स्टाइल है स्पेशली। दे आर वन ऑफ माई फेवरेट्स। मूंग दाल प्रोटीन में रिच होती है, फाइबर में रिच होती है, इसके अंदर आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले इस रेसिपी को देखते हैं। तो इस मूंग दाल के आटे को हम रोस्ट करेंगे। सबसे पहले धीमी आंच पे हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल शुरू में ही घी ऐड नहीं करना है। जब आप घी ऐड कर देते हैं शुरू में ही तो इसको रोस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपको हिलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मेहनत लगती है। तो जब ये ऑलमोस्ट 3/4 तक रोस्ट होने लग जाएगा, यानी ऑलमोस्ट हो चुका होगा, तब धीरे धीरे करके हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो ये एरोमेटिक हो गया है और अब हम इसमें ग्रेजुअली घी ऐड करेंगे। सबसे पहले जो 1/3 पार्ट है वो ऐड कर देंगे, इसे रोस्ट करेंगे। अच्छी तरह जब मिल जाएगा तो बाकी हम इसमें ऐड करेंगे। इसे कॉन्स्टेंटली आपको स्टर करना है, अदरवाइज ये बर्न होने लग जाएगा। आंच को आपको मीडियम टू लो ही रखना है। जब सारा घी मैंने ऐड कर दिया है तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टर्मरिक। तो ये ऑर्गेनिक हल्दी है, आधा चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी है। आप चाहें तो भिगोया हुआ केसर भी इसमें ऐड कर सकते हैं रंग के लिए। प्लीज़ कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसमें ऐड करना आप अवॉइड करें। हमारी दाल जो है पूरी तरह से रोस्ट हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है और अब बारी है इसमें खोया को ऐड करने की। तो हम इसमें पूरा खोया एक साथ ऐड कर देंगे और स्टर करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एज आई सेड, अगर आपको खोया नहीं मिलता है या आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप मलाई जो है 3/4 कप वो जमा करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन खोया इसकी स्टोरेज लाइफ को, यानी इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करेगा। जब खोया अच्छी तरह से मेल्ट होके मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं बचेगा, तब हम इसे हीट से रिमूव कर लेंगे। अब इसमें मीठा ऐड करने से पहले 2 मिनट का इंतज़ार करना है। अगर हम बिल्कुल गर्म इसके अंदर ऐड कर देंगे तो वो कैरामलाइज हो जाएगी खांड और ये काफ़ी सख्त बनेंगे और ठीक से बाइंड भी नहीं होंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे देसी खांड। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट पीस के भी इसके अंदर रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो पिस्ता ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। खांड को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब मिक्सचर इतना ठंडा हो जाए कि आप इसे कंफर्टेबल टच कर सकें, तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो मैं कंफर्टेबली इसको टच कर पा रही हूँ एंड नाउ आई विल मेक स्मॉल लड्डूस। तो जितने हमारी फिस्ट में आएंगे उतने मैं लड्डू बना रही हूँ और इसे गार्निश में कर रही हूँ थोड़े से पिस्ता के साथ। लेकिन गार्निश करने के लिए भी आप चाहें तो 2-3 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर या फिर ड्राई फ्रूट कोई और ऐड कर सकते हैं। दीज लड्डूज आर वेरी हेल्दी फॉर यू। आप इन्हें अपने गेस्ट को सर्व कीजिए, आप इन्हें गिफ्ट के पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरी रेसिपी आई है बिहार से। बिहार की एक स्पेशल ट्रेडिशनल रेसिपी है पनीर खुरमा, जिसे पनीर की बेलग्रामी या टिकिया भी कहा जाता है। एक खांड का सिरप बनाना है जिसके लिए 3/4 इस खांड को, यानी जो अनरिफाइंड शुगर होती है, उसे हम पैन में ऐड कर देंगे और पानी हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप के आसपास। तो 2 कप पानी में मैंने ये चीनी घोल दी है। इस पैन को हम हीट होने के लिए रख देंगे और मीनवाइल हम कार्डमम को क्रश करेंगे। तो
तो मैंने अच्छी तरह से कूट ली हैं, 2 से 3 हरी इलायची और ये केसर है, दोनों ही चीज़ों को हम उबलते हुए पानी में ऐड कर देंगे। अब जो 300 ग्राम पनीर है हम उसे कट करेंगे क्यूब्स के अंदर। इसे हम तब ऐड करेंगे जब हमारी खांड पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और उसमें एक बॉईल आ गया है। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये कि इन्हें एक साथ मत ऐड कीजिएगा, वन वन करके ऐड कीजिएगा, अदरवाइज पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा एंड देयर चांसेस कि अगर आपका पनीर ज़्यादा सॉलिड नहीं है, सॉफ्ट है, तो वो घुलने लग जाए। तो मैंने इसे ऐड कर दिया है और अब एक अच्छा खोल आ रहा है, उबाल आ रहा है पानी के अंदर जो हमारा सिरप है उसके अंदर। धीमी आँच हमें कर देनी है और अब मैं बताती हूँ बेकिंग सोडे का यहाँ पर यूज़ क्या है। अगर क्योंकि ये अनरिफाइंड शुगर होती है, अनरिफाइंड है, केमिकली से प्रोसेस नहीं किया गया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है डर्ट या डस्ट होने के चांसेस हैं। तो जैसे ही आप इस सिरप के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो बबल्स में ये जो ऊपर लेदर बन रहा है, सारा का सारा जो इसमें डर्ट है वो ऊपर आ जाएगा और आप उसे चम्मच से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ज़रूरत है और साफ़ है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो पैन को अब हम कवर कर देंगे और धीमी आंच पे इसे बनाएंगे। अगर आप इसे कुकर में बनाते हैं, लेकिन हाँ कुकर में थोड़ा न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगा, पैन में मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहता है और ज़्यादा अच्छा टेक्स्चर भी पैन के अंदर ही आता है अगर आप इसे बनाएंगे। तो अब हमें धीमी आंच करके कवर करके इसे 40 से 50 मिनट तक कुक होने देना है। बीच में 15-15 मिनट के या 20 मिनट के गैप में आप इसे चेक कर सकते हैं और इसे लाइटली स्टर कर सकते हैं। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स मैंने इसे एक बार चेक किया है और आप देख सकते हो कि कलर हल्का हल्का ऑलरेडी इस पर आने लग गया है। इससे जब कुक होते हुए 35 मिनट्स के आसपास हो जाएंगे तब आप देखेंगे पानी जो है बिल्कुल कम हो गया है और इसके जो लेदर है, जो ऊपर बबल्स बन रहे थे, वो भी कम हो गए हैं। तो हम इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि बबल्स का बहुत आना ज़रूरी है कि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए, इसका जो गोल्डन ब्राउन कलर है वो आ जाए। और ये अगर शुगर सिरप बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तब वो जो क्रिस्पीनेस इसके अंदर आना चाहिए, जो क्रंच आना चाहिए, वो नहीं आएगा। सो आई एडवाइस कि आप इसके ऊपर इस तरह से पानी स्प्रिंकल करें। हमें बहुत ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है, अदरवाइज टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है और 2-3 बार ही करना है, बीच बीच में ग्रेजुअली। सो देखिए कितना अच्छा कलर ऑलरेडी हमें दिख रहा है, 50 मिनट के आसपास हो गए हैं। और अब हमें लिड को रिमूव कर देना है और इस सिरप को अब हमें थिक करना है जो खुले पैन में ही होगा। तो अब हम इसे सिमर करेंगे लो हीट पे बिना कवर किए हुए फॉर अनदर 7-8 मिनट्स। बीच में मैं अपनी जो ये क्यूब्स हैं पनीर की उन्हें अपसाइड कर रही हूँ ताकि ये नीचे से बर्न ना हो जाए और हर तरफ से ये क्रिस्पी और क्रंची बने। हमारा शुगर सिरप जितना हमें थिक चाहिए था वो बन चुका है। आप स्पैचुला में सिरप को लेकर उठाइए और अगर वो धीरे धीरे, एकदम नहीं गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, यानी आपका जो टेक्सचर है वो पनीर का आ गया है। अब आप पनीर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इमिडिएटली नहीं करना है, थोड़ी देर इसी में आप इसे बंद करके गैस छोड़ दीजिए। आफ्टर 5-10 मिनट्स मैंने इन्हें रिमूव कर लिया है एक सीव के अंदर, एक छलनी के अंदर, और अब इन्हें हम छलनी में ड्राई होने देंगे 1-2 घंटे के लिए। आपके पनीर खुरमा बनकर तैयार हो गए हैं, इन्हें टिकिया भी कहते हैं, पनीर टिकिया। तीसरी रेसिपी मेरी इनोवेशन है, मुझे बहुत पसंद है और इसमें हम एक सब्जी का इस्तेमाल करेंगे, ये है मखाना कैरेट पेड़ा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई रोस्ट करना है फूल मखाना को ऑन लो हीट। इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। मैं यहाँ पर एक कास्ट आयरन पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इन्हें लगातार चलाते रहिए क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो ये एक साइड से बर्न हो जाएंगे। तो हर तरफ से इन्हें क्रिस्पी और ब्राउन करने के लिए इन्हें स्टर करते रहिए। जब तक ये अच्छी तरह क्रिस्प हो रहे हैं तब तक हम बीच में अपनी कैरेट्स को ब्लेंड करके उसकी एक प्यूरी तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही थोड़े पानी का हमें इस्तेमाल करना है, ज़्यादा पानी लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगी। हमें एक थिक इसका पेस्ट चाहिए।
ये तैयार हो गया है, इसे एक बोल के अंदर मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब सोक किए हुए कैशूज को भी हम ब्लेंड करेंगे। इसमें हमें धीरे धीरे पानी ऐड करना है, तो जिस पानी में मैंने सोक किया था सेम वाटर आई एम यूजिंग फॉर ब्लेंडिंग। तो इसका भी हमें बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार करना है, बिल्कुल ग्रेनी इसका टेक्सचर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी स्मूथ। हमारे मखाने भी रोस्ट हो गए हैं, उन्हें ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद एक मिक्सिंग जार में डाल के उसका भी एक फाइन पाउडर हमें बना लेना है। तो मखाने का पाउडर भी तैयार हो गया है, इसे भी मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ एक बोल के अंदर। अब पैन के अंदर सबसे पहले हम घी को मेल्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी में फ्लेवरिंग के लिए इलायची का या किसी और जैसे कि सैफ्रन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट यूजिंग एनी फ्लेवर बिकॉज हम मिनिमम इंग्रेडिएंट से इसे बनाएंगे। हमारा घी मेल्ट हो चुका है, इसमें कैरेट की प्यूरी हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारी गाजर जो है वो अच्छी तरह इस घी में रोस्ट हो जाएगी। और जब इसका बिल्कुल पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, मॉइस्चर जो है वो निकल जाए, तब हम पैन के अंदर ऐड कर देंगे कैशू का पेस्ट यानी काजू का पेस्ट। इसे भी अच्छी तरह हिलाकर पकाएंगे और दोनों चीज़ों को लो हीट पे ही हमें कुक करना है। देसी खांड भी इसी वक्त हम ऐड कर देंगे ताकि वो भी मेल्ट होके जो मॉइस्चर उससे आएगा वो भी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए। अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 minutes की लो हीट पर कुकिंग के बाद ये रेडी हो गया है। इसे एक्चुअली हमें जब तक कुक करना है जब तक ये एक साथ बाइंड ना होने लग जाए, इसका एक बड़ा सा लंप ना बनने लग जाए, जब तक ये अलग अलग है और थोड़ा मॉइस्चर इसके अंदर लग रहा है तब तक हम इसे कुक करते रहेंगे। इसे ओवर कुक भी नहीं करना है, अगर आप ज़्यादा कुक करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा और जो हम मखाने का पाउडर इसमें डालेंगे वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, अब इसके अंदर हम मखाने का पाउडर ऐड कर देंगे। और उसे ऐड करने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया है, अभी भी पैन गरम है तो गरम पैन के अंदर ही हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स इट वेल जब तक ये पूरी तरह से कंबाइन ना हो जाए। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा होने दें कि आप इसे आराम से टच करके इसके राउंड बॉल्स बना सकें। इट इज़ रेडी, नाउ आई एम मेकिंग स्मॉल बॉल्स इससे, यानी राउंड राउंड लड्डू भी आप इससे बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे पेड़े। तो ये एक पेड़ा मेकर है मेरे पास, काफ़ी पहले मैंने लेकर इसे रखा हुआ है, काफ़ी बार मैं इसे पेड़े बना चुकी हूँ और ये जो रेसिपी है नवरात्रि के दौरान पहली बार मैंने ट्राई की थी, बहुत ही टेस्टी बनी, तो अभी दोबारा बना रही हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। इसे गार्निश करने के लिए आप पिस्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी नट्स अगर आपके पास हैं। नंबर 4 पर आते हैं बेसन और जागरी की बर्फी। सरफेस वाली ट्रे को ग्रीस करके साइड में रख दिया है, आप थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और प्लेट का। अब एक कढ़ाई या पैन में हमें देसी घी ऐड करना है। जब ये देसी घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमें इसमें बेसन ऐड करना है। यहाँ पर मैं बेसन को थोड़ा सा छान रही हूँ ताकि कोई लम्स हो तो वो ब्रेक हो जाए। ये जो बेसन है घर का बना हुआ बेसन है, हम खुद घर पे पीस कर बनाते हैं, सो इट इज़ हेल्दियर और थोड़ा सा मोटा भी पिसा हुआ है। बाजार का बेसन थोड़ा कम मोटा होता है कंपेयर टू दिस। तो अब हम बेसन को रोस्ट करेंगे इस घी के अंदर 10 से 12 मिनट के लिए।
कॉन्स्टेंटली आपको स्टर करते रहना है। आंच को आपको लो पर रखना है, लो से मीडियम हीट पर, अदरवाइज ये बर्न होने लगेगा। अगर आप इसे अनअटेंडेड छोड़ देंगे थोड़ा देर के लिए तो ये नीचे लग जाएगा और वो जो बर्न वाला टेस्ट है वो आपको आपकी बर्फी में आएगा। सो 9 मिनट के बाद देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा घी इसमें से सेपरेट होने लग गया है एंड इट इज अ साइन कि आपका बेसन जो है वो पूरी तरह से रोस्ट हो गया है। सो नाउ वी हैव टू स्विच ऑफ द हीट। जब भी हम जैगरी का पाउडर या जैगरी तोड़कर इसमें डालेंगे तो हमें गैस को बंद कर देना है, अदरवाइज जैगरी जो है वो बर्न होने लगेगी। उतनी ही हीट काफ़ी है इसे मिक्स करने के लिए। जल्दी से आप इसे मिक्स कर दीजिए और अच्छी तरह तोड़ के डालना है। अगर ज़्यादा बड़े उसके अंदर पीसेस होंगे तो वो भी ठीक से मिक्स नहीं हो पाएंगे। सो कॉन्स्टेंटली आपको इसे स्टर करते रहना है, मिक्स करते रहना है। नाउ क्विकली आपको ये ट्रांसफर करना है अपनी ग्रीस की हुई ट्रे या प्लेट के अंदर। ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है इसीलिए आपको बहुत जल्दी यहाँ से आगे काम करना होगा। अदरवाइज अगर ये एक बार सेट हो गया, ठंडा हो गया, तो ये जम नहीं पाएगा, क्रम्बल हो जाएगा, यानी बुरा बुरा जैसे निकलने लगेंगे इसके अंदर। सो यू हैव टू वर्क रियली फास्ट। इनफैक्ट मेरी भी स्पीड थोड़ी कम है यहाँ पर। सो विद स्पैचुला या स्पून या कटोरी आप इस तरह इसको फ्लैटन कर दीजिए और इस तरह इसके अंदर निशान बना दीजिए जिस शेप में आपको चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, रेक्टेंगल में या डायमंड शेप में। नाउ इट जस्ट टेक्स 10-15 मिनट टू सेट कम्प्लीटली और पूरी तरह कूल डाउन होने के बाद आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं अपने हाथ में आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना फर्म, कितना सॉलिड हो जाता है जमने के बाद। सो यू कैन हैव इट एज आई सेड इमीडिएटली। लास्ट यानी पांचवें नंबर पर हम बनाएंगे छेना यानी घर पर बने हुए पनीर से एक बहुत ही इजी बनकर तैयार होने वाला पेड़ा। इसे बनाने के लिए हमें लगेंगे सिर्फ 15 मिनट। तो सबसे पहले मैंने ये 2 लीटर लिया है फुल फैट मिल्क और इसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। जब तक ये गरम हो रहा है एक कटोरी के अंदर मैंने 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस लिया है और उसे थोड़े से पानी के साथ डाइल्यूट कर दिया है, मिक्स कर दिया है। गरम हो रहा है दूध हमारा, इसे बीच में हम ओकेशनली स्टर करते रहेंगे और जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे। इसे मैंने आँच से हटा लिया है और अब ग्रेजुअली हम इसके अंदर नींबू का रस ये ऐड करेंगे। तो धीरे धीरे ऐड करके स्टर करते रहिए और धीरे धीरे ये दूध जो है वो फटता चला जाएगा। जब पानी जो है पूरी तरह से दूध से सेपरेट हो जाएगा हम इसे स्टर करना बंद कर देंगे। तो एज यू कैन सी हमारा जो मिल्क है वो कर्डल हो गया है और इसमें से जो केसीन प्रोटीन होता है, जो ये थिक कर्ड जैसा फॉर्म हो गया है जिसे छेना कहते हैं, वो अलग हो गया है और वे प्रोटीन जो पानी है वो अलग हो गया है। एक छलनी मैंने ली है उस पर एक कपड़ा रख देंगे हम, ये मसलिन क्लॉथ है और उसके ऊपर मैंने इसे स्ट्रेन करना शुरू कर दिया है। बी केयरफुल, इस समय काफ़ी गर्म होगा। इसे निकालने के बाद थोड़ा सा हम इसे इस तरह से उठाकर एक्सेस वाटर इसमें से रिमूव करेंगे। अगेन बी केयरफुल, काफ़ी गर्म होगा इस समय ये। अब इसे हल्के से पानी से हम धोएंगे। ये जो वे निकला है इस दूध में से इसे आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। आप इसे दाल बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, सूप में इसे डाल सकते हैं, आप इसे आटा भी गूंद सकते हैं। एक्सेस वाटर मैंने निकाल दिया है और अब हम थोड़ी सी देर इसे साइड में रखेंगे 15-20 मिनट के लिए। ज़्यादा देर नहीं रखना है अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए। अब हम इसे थोड़ा सा नीड करेंगे, थोड़ा सा इसे मैश करेंगे, मस लेंगे। तो पहले मैंने इसे इस तरह से अलग अलग कर लिया है और फिर हमारे पाम के प्रेशर का इस्तेमाल करके हम इसे अच्छी तरह से मसल के सॉफ्ट बना लेंगे। सो आपको ये करना है 15-20 मिनट के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा देर इसे मस लेंगे तो इसमें से जो घी है वो सेपरेट होने लग जाएगा और फिर से ये कर्डल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे पैन में ऐड कर दिया है और मैंने आधा जो है वो पैन में ऐड किया है और आधा जो है वो अपनी अगली रेसिपी के लिए सेव कर लिया। तो मैंने एक रेसिपी में 1 लीटर ही दूध का इस्तेमाल किया है और अब इसे हल्का सा ब्रेक करके मैंने जैगरी पाउडर ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, मिक्स करते रहिए और इसे स्टर करते रहिए।
आंच को कम करना है, स्पेशली जैगरी ऐड करने के बाद। अगर आंच तेज होगी तो जैगरी कैरामलाइज हो जाएगी, हो सकता है वो बर्न भी हो जाए और इसमें फिर थोड़ा सा बिटर टेस्ट आ जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आंच बिल्कुल कम रखें। जैगरी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे फिर से एक प्लेट पर। मेरे पास यहाँ ये परात है, मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है, और एक बार फिर हल्का सा इसको नीट करेंगे, इसको हल्का सा मैश करेंगे, इसे मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट बना लेंगे। यहाँ पर भी आपको ज़्यादा इसे नहीं मसलना है, अगर आप ज़्यादा इसको प्रेशर के साथ मसल देंगे तो अगेन इसमें से जो घी है, जो चिकनाई है, वो सेपरेट होने लग जाएगी। एंड ऑल्सो लेट इट कूल अ बिट डाउन, थोड़ा सा इसे ठंडा होने दें इससे पहले कि आप इसमें इस तरह से अपना हाथ लगाएं। ये बिल्कुल अच्छी तरह जितना हमें चाहिए उस कंसिस्टेंसी का आ गया है। अब हम इसमें से पेड़े बनाएंगे। पेड़े का साइज जो है वो मीडियम साइज का रखेंगे, बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा नहीं। और मैं इसे गार्निश कर रही हूँ एक कैशू के साथ। तो काजू का जो आधा टुकड़ा होता है वो मैंने एज अ गार्निशिंग इस पे यूज़ किया है। आप चाहें तो इस रेसिपी के अंदर इलायची पाउडर या सैफ्रॉन थोड़ी सी डाल सकते हैं। आई होप ये कम्प्लीटली गिल्ट फ्री रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। आप इन्हें जल्दी ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, जल्दी हाजिर होंगी कुछ और स्पेशल रेसिपीज के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड एंजॉय द फेस्टिव सीजन। बाय बाय।